स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, शिक्षक की काली करतूत। दो नाबालिग बच्चियों ने प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का लगाया आरोप। स्कूल संचालक पर चप्पल और थप्पड़ की बारिश। सूरजपुर, गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर दो नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां दो महिलाएं अपनी 10 और 12 साल की बच्चियों के साथ थाना पहुंची और उन्होंने आरोप लगाया कि एक निजी स्कूल का प्रिंसिपल कमलेश्वर कुर्रे स्कूल में उनकी बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करता है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनकी बच्चियां स्कूल से रोते हुए घर आई और अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद पीड़ित छात्रा की मां जानकारी लेने के लिए स्कूल गई, लेकिन उसे देखकर प्रिंसिपल स्कूल से भाग गया। और जब पीड़ित की मां स्कूल की छात्राओं से मिली तो छात्राओं ने उन्हें बताया कि प्रिंसिपल कामेश्वर कुर्रे स्कूल की अन्य कई लड़कियों के साथ भी ऐसी अश्लील हरकत करता है। पीड़िता की मां ने वॉइस रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर कर लिया, जिसके बाद पीड़ित छात्राओं की मां कोतवाली थाना पहुंची और लिखित में थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दिन भर कोतवाली में हंगामा होता रहा है और शाम तक पीड़ित बच्चों के परिजनों का गुस्सा स्कूल संचालक पर फूट पड़ा और उन्होंने स्कूल संचालक की सरेआम पिटाई कर दी। इस घटना के बाद पीड़ित बच्चियों में दहशत का माहौल है। पहले भी छात्रों के द्वारा आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायतकर्ता के आवेदन वापस लेने की वजह से पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।